दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गत दिवस जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने जो कुछ घोषणाएं की हैं, उनकी घोषणाओं के चलते पूरे हरियाणा में कई मजबूत तथा कथित कैंडिडेट उम्मीदवारों की उम्मीदवारी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, दीपक बावरिया जी ने खुले रूप से कहा है कि जो नेता, जो उम्मीदवार दो बार लगातार चुनावों में हार का सामना कर चुके हैं, कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको टिकट नहीं देगी। दोस्तों, इस बारे में मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस इन उम्मीदवारों को, इन कांग्रेसियों को टिकट नहीं देगी, और उसमें मुख्य रूप से मैंने यही कहा था कि ये वो उम्मीदवार हैं जो दो बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। तो दीपक बावरिया जी ने वो मेरे मन वाली बात गत दिवस कह दी मीडिया के सामने, और वो चीज़ सबके सामने आ चुकी है, और इससे पूरे हरियाणा में संभावित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर तुषारपात हो गया लगता है। यदि हम फरीदाबाद की बात करें तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, और भी हो सकते हैं, कि ओल्ड फरीदाबाद सीट से जो पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे लखन सिंगला, वो दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 44,000 से ज़्यादा वोट भी मिली थी, और उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, और मैं आज भी मानता हूँ कि हो सकता है कि हर एक पे नियम लागू ना हो और किसमें ढील दे दी जाए। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि लखन सिंगला दूसरे नंबर पर रहे थे और मजबूत कैंडिडेट हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। ये ही नहीं, एक्स सीएम हुड्डा जी के भी बहुत करीबी हैं और गुड बुक में हैं, लेकिन उनके साथ जो समस्या आ रही है कि वो लगातार दो चुनाव हार चुके हैं, एक बल्लभगढ़ से हारे तो उससे पिछला, और इस बार पिछली बार जो वो फरीदाबाद से हारे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन दीपक बावरिया जी की जो घोषणा है, और यदि उस पर हाईकमान डटा रहा तो उनके उम्मीदवारी पर आंच आ सकती है। इसी तरीके से दूसरा मामला है पृथला का। दोस्तों, पृथला सीट पर रघुवीर तेवतिया जब 2009 में ये पृथला सीट बनी थी तो वो मतलब यहां से वो एक बार चुनाव जीतने में सफल रहे और दो बार रघुवीर तेवतिया पृथला से चुनाव हार चुके हैं, और उनको पृथला से कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार भी माना जा रहा है, और वो मजबूत उम्मीदवार हैं भी, उनकी तैयारी भी पूरी है, उनका टिकट भी दीपक बावरिया जी की घोषणा से पहले लगभग कन्फर्म माना जा रहा था, लखन सिंगला का टिकट भी लगभग कन्फर्म माना जा रहा था, लेकिन उनकी गत दिवस घोषणा के बाद, लखन सिंगला के बाद
दीपक बावरिया जी की घोषणा के बाद रघुवीर तेवतिया जी का टिकट भी खटाई में पड़ गया लगता है। और मजेदार बात यह है कि लखन सिंगला की तरह ही रघुवीर तेवतिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही करीबी हैं, करीबी संबंध हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रघुवीर तेवतिया पर हमेशा वरद हस्त रहा है और हमेशा उन्होंने रघुवीर तेवतिया की पैरवी की है। अब देखने की बात यह है कि एक तरफ तो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, 10 साल मुख्यमंत्री हरियाणा में रह भी चुके हैं, और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सबसे मजबूत नेता हैं, कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता हैं, और उन्हीं की यदि कांग्रेस जीतती है तो सीएम बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, तो हाईकमान क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चहेतों के भी टिकट काट सकता है या काटेगा, या हुड्डा जी को नाराज करेगा लखन सिंगला रघुवीर तेवतिया के नाम पर? मैंने कहा कि केवल फरीदाबाद में नहीं, पूरे 90 सीटों पर इस तरीके की कई अड़चनें आ रही हैं, जो दो दो बार चुनाव हार चुके हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल किया हुआ था कांग्रेस के टिकट के लिए। अब देखने की बात है ये है कि इन संभावित उम्मीदवारों का अब क्या होने जा रहा है। लेकिन और कांग्रेस की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 60 विधानसभा हलकों के बारे में कांग्रेस हाईकमान मंथन कर चुका है, और जो 2556 संभावित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे 90 सीटों के, और इन संभावित उम्मीदवारों से 20,000 रुपए फार्म के भी लिए गए थे, और जो लगभग 20-25 करोड़ रुपए बनते हैं। टिकट तो भाई देखो 90 को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इन उम्मीदवारों से 20 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए, ये बात अलग है। अब मैंने कहा कि 2556 में से 60 नामों पर चर्चा हो चुकी है, जो पैनल में इनके नाम शामिल किए गए हैं, और ये माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी इनके नामों पर मोहर लगा सकती है। और इसके लेकिन इन संभावित उम्मीदवारों को हाईकमान कई तरीके से सांत्वना भी दे रहा है कि जिनके नाम नहीं आ रहे हैं या उस 60 लिस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी के नाम कट जाएंगे, कुछ जो मजबूत कैंडिडेट हैं लीक से हटकर या नियम से हटकर उनको टिकट दिया भी जा सकता है। तो दोस्तों बस अगले हफ्ते में सारा क्लियर हो जाएगा, समय बचा नहीं है, सब उम्मीदवार अगले हफ्ते से नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे और चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। अब देखना है कि किसकी लाठी निकलती है, कौन उम्मीदवार बनता है और किसको विजय श्री प्राप्त होती है। तो देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे पर नए एपिसोड में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।